पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुलंदशहर से बड़ी खबर है। औरंगाबाद पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में सिपाही मनीष शर्मा को गोली लगी है और पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार भी किया है। बदमाश के पास से अवैध असलहा और एक बाइक बरामद की गई है। तो बुलंदशहर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक सिपाही मनीष शर्मा घायल हो गए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है इलाज के लिए। और पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। बदमाश के पास से अवैध असलहा और एक बाइक बरामद की गई है। बुलंदशहर से हमारे संवाददाता मुकेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ में। मुकेश, जो पुलिस और बदमाशों के बीच में कल रात में मुठभेड़ हुई है, बताया जा रहा है कि उसमें 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया। कितने मुकदमों में ये बदमाश वांछित चल रहा था? जिला बुलंदशहर के औरंगाबाद थाना क्षेत्र का है, जहां देर रात करीब 12 बजे के करीब पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई है। ये आपको बता दें, इस बदमाश पर दर्जनों मुकदमे पंजीकृत हैं और इस जिला बुलंदशहर के आपराधिक इतिहास में ये 25,000 इनाम भी इस पर घोषित था, जो पुलिस ने और इसके बीच रात मध्य गंग नहर पर मुठभेड़ हुई। जी जी मुकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।